हाय फैमिली, कैसे हो आप लोग। आज मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूँ मटन करी। देखिए मैं मटन करी किस तरह बनाता हूँ। ये देखिए मैं मटन लाया हूँ जो कि 400 ग्राम है। उसके लिए मैं मसाला तैयार किया हूँ। इस मसाले में धनिया पाउडर 1 चम्मच, गोल मिर्च पाउडर 1/2 चम्मच, और जीरा पाउडर 1 चम्मच, हल्दी पाउडर 1 चम्मच, जायफर, उसके बाद लौंग, इलायची, दालचीनी, और इसमें मैंने नमक मिक्स कर दिया है, और हमारा फेवरेट कलर कश्मीरी लाल मिर्च। ये देखिए मैं धनिया पत्ता भी ले लिया हूँ, प्याज भी काट लिया हूँ बारीक बारीक से, 2 से 3 से 4 प्याज काटना है हमें, और तेज पत्ता और इलायची मैंने ले ली है। अब मैं यहाँ पर तेल गरम करके फ्राई करूँगा। ये देखिए मैंने तेल डाल दिया है। तेल जब पूरा गर्म हो जाएगा बढ़िया से, उसके बाद इसमें तेज पत्ता डालेंगे हम। यह देखिए फ्रेंड, तेल गरम हो गई है, इसमें हम तेज पत्ता का फोरन देंगे। इसके बाद हम मटन और प्याज और मसाला एक साथ मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। इस तरह देखिए बढ़िया से इसको मिक्स कर देंगे हम लोग। यहाँ पर मिक्स हो गई अच्छी तरह से। अब यहाँ पर हम देखिए तेजपत्ता रेडी हो गई, इसमें हम डालेंगे। अब हम ये मैंने डाल दिया है। अब इसको एकदम धीमी फ्लेम पर इसको अच्छी तरह फ्राई करेंगे हम। ये देखिए फ्रेंड, मेरा मटन एकदम अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है, एकदम लाल हो गया है। देखिए ये देखिए एकदम लाल हो गया है, बहुत ही अच्छी तरह से भुजा भी गया है। अब हम इसमें अपने हिसाब से, ग्रेवी के हिसाब से इसमें अब पानी मिलाएंगे। ये देखिए फ्रेंड, हमने अपने हिसाब से पानी मिला दी है। अब इसको अच्छी तरह से खदकाएंगे, यानी कि उबालेंगे अच्छी तरह से कम 5 से 10 मिनट तक। इसकी फ्लेम भी तेज कर देंगे हम। ये देखिए फ्रेंड, बढ़िया से खदक गया है। अब इसमें हम धनिया पत्ता छोड़ेंगे। छोड़कर इसको हम अच्छे ढाक देंगे। ये देखिए फ्रेंड, हमारा तैयार हो गया है। ये देखिए कितनी शानदार ग्रेवी है। चलिए फ्रेंड, फिर मिलते हैं नई एपिसोड के रेपिसो के साथ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारा नया वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। थैंक यू सो मच।